हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लूटूथ अवेलेबल डिवाइस वाली प्रॉब्लम आ रही है, शो नहीं कर रहा है डिवाइस का नाम, तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर शो सिस्टम या शो ऑल ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब सभी सिस्टम ऐप भी आ जाएंगे। अब आपको थोड़ा नीचे आएंगे तो ब्लूटूथ मिल जाएगा, ब्लूटूथ ऐप, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। फिर यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। इतना करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का लॉक स्क्रीन वाली बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। अब मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है इतना सब कुछ करने के बाद, और ब्लूटूथ सेटिंग पर क्लिक करना है। अब देखिए हमने डिवाइस को ऑन कर रखा है, अब मोबाइल के ब्लूटूथ को चालू करते हैं। अभी देखना यहाँ पर नाम आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करके यहाँ से पेयर करते हैं। तो देखिए कनेक्ट भी हो चुका है, इस तरह आपका भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।